हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप्स इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अभी तक हमने व्हाइल लूप पढ़ा और एक और लूप जो पाइथन में होता है वो होता है फॉर लूप। बट पाइथन का फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी लैंग्वेजेस के फॉर लूप से। सो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग किया होगा या फिर जावा में प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे फॉर लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। I is equal to 0, I less than 10, I plus plus, curly braces, और यहाँ पे आप कुछ कोड लिखते हो। This is the general structure of a for loop in C, C++ या Java, ठीक है? Python का for loop थोड़ा different होता है, ठीक है? और बहुत useful भी, बहुत powerful, ठीक है? तो Python का for loop सीखने के लिए आपको पहले दो चीजें समझनी पड़ती हैं। वो दो चीजें मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला है range function। तो ये एक स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन आता है पाइथन के अंदर जिसका काम होता है एक गिवन रेंज में इंटीजर्स जनरेट करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपने लिखा रेंज 1 से लेके 11 और आप उसको जैसे ही रन करोगे यू विल गेट दिस आउटपुट रेंज 1 to 11। बेसिकली जो आपने यहां लिखा वही आपको आउटपुट में मिल गया। बट इंटरनली क्या हुआ कि इंटरनली 1 से लेके 10 तक नंबर्स जनरेट हुए, 11 तक नहीं 10 तक। 11 इज नॉट इंक्लूडेड। जो आपका फर्स्ट नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है। अगर आपको देखना है कि कौन से नंबर्स जनरेट हुए तो आप इसको एक ऐसे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो जो आप देख पाते हो, जैसे कि लिस्ट। मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया एंड यू कैन सी ये नंबर्स जनरेट हुए थे, ठीक है? तो रेंज फंक्शन बहुत यूजफुल है। रेंज फंक्शन किस तरीके से काम आता है फॉर लूप में थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तब तक रेंज फंक्शन के बारे में कुछ और चीजें आप लोगों को दिखा देते हैं। पहला, रेंज फंक्शन में आप दो चीजें देते हो, इनफैक्ट तीन चीजें देते हो। अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो तो पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप और तीसरा होता है स्टेप, ठीक है? बट अगर आप सिर्फ एक नंबर दो, मान लो आपने सिर्फ 5 दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंड नंबर है। स्टार्टिंग नंबर को ऑटोमेटिकली 0 मान लिया जाता है। मतलब आप अगर 5 दे रहे हो तो इट इज एज इफ आप 0.5 दे रहे हो, तो आपका जो आउटपुट होगा वो ये होगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है? अगर आपने यहां पे 15 दिया होता तो 0 से लेके 14 तक प्रिंट होता। सो आप रेंज फंक्शन के अंदर तीन चीजें भेज सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप और एक थर्ड चीज थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे, उसको स्टेप बोला जाता है। और अगर आपने एक ही नंबर सिंगल दिया तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये स्टॉप वाला नंबर है, स्टार्ट वाला ऑटोमेटिकली अज्यूम हो जाता है कि वो 0 है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेप का क्या काम होता है। सो स्टेप, अभी तक अगर आपने नोटिस किया होगा किसी भी दो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो 1 है। स्टेप क्या करता है, उस गैप को बढ़ा देता है, ठीक है, या घटा देता है, डिपेंड करता है। सो लेट्स से मैंने यहां पे लिखा 1 से 11, 2। तो अब क्या होगा, अब आपके नंबर्स अभी भी सेम रेंज में जनरेट होंगे 1 से लेके 10 तक, बट हर दो नंबर्स के बीच का जो गैप होगा वो 2 का होगा, स्टेप 2, ठीक है? मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूं। अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 नहीं हो सकता क्योंकि फिर गैप 1 का हो जाएगा। दूसरा नंबर 3 होगा, ये देखो 1 और 3, इन दोनों के बीच का गैप 2, 5 और 3, इन दोनों के बीच का गैप 2, 5 और 7, 7 और 9, इनके बीच का गैप इज 2, ठीक है? अगर आप यहां पे 3 दे देते तो अब 3 का गैप होता, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। आप चाहो तो आप नेगेटिव में भी गैप दे सकते हो। लेट्स से आपको प्रिंट करना है पता नहीं बैकवर्ड काउंटिंग 10 से लेके 1 तक, इन दैट केस आप ये कोड लिखोगे 10 to 0, -1। और अब अगर आप इसको लिस्ट के अंदर डालो तो इट वुड गिव यू बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1, ठीक है? तो आई होप आपको रेंज फंक्शन कैसे काम करता है ये समझ में आ गया। जो सेकंड चीज आपको पढ़नी है फॉर लूप समझने के लिए वो होता है सीक्वेंस। पाइथन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस। सो सीक्वेंस होता है ऑर्डर। कोई भी चीज अगर आपको ऑर्डर में मिल रही है तो वो सीक्वेंस है। जैसे कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अगर आप एग्जांपल लो कोलकाता, तो इट इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। लेट्स से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। अब ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक लिस्ट है।
सिमिलरली टपल्स जो होते हैं वो भी सीक्वेंसेस होते हैं, सेट्स जो होते हैं वो भी सीक्वेंसेस होते हैं, डिक्शनरीज भी सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब कुछ भी चीज जो ऑर्डर में आपके पास आए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमने क्यों पढ़ी फॉर लूप के पहले, क्योंकि फॉर लूप जो होता है पाइथन में वो क्या करता है, वो या तो सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करता है या फिर रेंज फंक्शन के ऊपर आइटरेट करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले मैं आपको रेंज फंक्शन के ऊपर आइटरेट करके दिखाता हूं लूप को। सो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से 11 प्रिंट आई एंड दिस इज द आउटपुट गाइस। रेंज का आउटपुट क्या था, 1 से लेके 10 तक नंबर्स, और आपने उसके ऊपर लूप चला दिया। तो पहली बार जब लूप चला तो आई का वैल्यू पहला नंबर था, दैट इज 1। फिर दूसरी बार जब लूप चला तो आई का वैल्यू दूसरा नंबर था, विच वॉज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप यहां पे 2 का स्टेप दे दो तो अब बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं जो आपने देखी थोड़ी देर पहले रेंज फंक्शन में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू बैकवर्ड काउंटिंग इफ यू वॉन्ट, 10, 0, -1 एंड यू वुड गेट दिस, ठीक है। तो पाइथन का फॉर लूप यू कैन सी इज डिफरेंट फ्रॉम सी का फॉर लूप। यहां पे कोई एंड करने का कंडीशन नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ सिंपली क्या कर रहा है, आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट दे रहे हो, या तो वो रेंज फंक्शन होगा या कोई सीक्वेंस होगा, और आपका फॉर लूप क्या करेगा, सिंपली उसके ऊपर आइटरेट कर जाएगा, उसके ऊपर घूम जाएगा। यहां पर कोई टर्मिनेशन का कंडीशन नहीं है, जैसे वो ऑब्जेक्ट खत्म हुआ आपका लूप का टर्मिनेशन आइटरेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दिस कोड फॉर आई इन कोलकाता प्रिंट आई, और अब क्या होगा, सिंस दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो अब हर बार जब लूप चलेगा तो आई का वैल्यू हर सीक्वेंस होगा। सो जब पहली बार लूप चलेगा तो आई का वैल्यू पहला कैरेक्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर लास्ट कैरेक्टर। जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हुआ लूप भी खत्म हो गया, आपको एक्सप्लिसिटली कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर आई इन 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर मैंने डाल दिया प्रिंट आई, और इस बार आपका आउटपुट ये हो गया, ठीक है। सो यू कैन सी आप यहां पे कोई भी सीक्वेंस प्रोवाइड करो या रेंज फंक्शन प्रोवाइड करो, आपका फॉर लूप उसके ऊपर आइटरेट कर जाएगा और आपको आउटपुट देता चला जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज आप ट्राई कर सकते हो विथ टपल्स, ये सेम चीज आप ट्राई कर सकते हो विथ टपल्स, और यू कैन ट्राई इट विथ सेट्स, और यू कैन ट्राई इट विद डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में अभी नहीं दिखा रहा बिकॉज उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो हम तब पढ़ेंगे जब हम डिक्शनरीज पढ़ रहे होंगे, बट या फॉर नाउ बस ऐसे समझ लो कि फॉर लूप यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इसको आप एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट देते हो जिसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हो सीक्वेंस, और आपका फॉर लूप उसके ऊपर आइटरेट कर जाता है। कोई एंड कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टर्मिनेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन्स पाइथन कर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने दो लूप्स पढ़े, व्हाइल लूप और फॉर लूप, और ये दोनों बहुत ही डिफरेंट लूप्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कब कौन सा लूप यूज करना चाहिए। बिगिनर्स को इस चीज में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर कभी भी आपको बिफोर हैंड पता है कि लूप इतनी बार ही चलेगा, देन यू शुड यूज फॉर लूप। अगर आपको नहीं पता है कि लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, देन यूज व्हाइल लूप। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक गेसिंग गेम बनाया था, वहां पे हमें नहीं पता था कि यूजर कितना अटेम्प्ट्स लेगा सही नंबर गेस करने के लिए, तो वहां पे हमने व्हाइल लूप लगाया था। फ्यूचर में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहां पे हमें बिफोर हैंड पता होगा कि लूप इतनी बार ही चलाना है, इन दैट केस आप बहुत इजिली फॉर लूप यूज कर सकते हो। और कई ऐसी भी जगह होंगी जहां पे आप दोनों चीजें यूज कर पाओगे, बट या व्हाइल लूप इज मोर इम्पॉर्टेंट इन केसेस वेर यू डोंट नो द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू लूप थ्रू, ठीक है। बट अगर आपको पता है तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वॉज इट फॉर दिस फॉर लूप्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स।